गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, येस्टरडी वी टॉक्ड अबाउट द खिलाफत मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द डिफरेंट स्ट्रेंड्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओनली. सो द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इज द रिबेलियन इन द कंट्री साइड, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिलिटेंट वीरूला मूवमेंट, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन. सो द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द कंट्री साइड. कंट्री साइड मीनिंग near in the villages or in the towns. Now, second, the our leader was Baba Ramchandra, indentured labor in Fiji. Means hum yahan pe jo hai Awadh ki place jo hai wahan pe non cooperation movement ke kya effects dekhne mile the uske bare mein padh rahe hain. Is movement ke jo leader jo the wo Baba Ramchandra jo the, Baba Ramchandra the, aur ye jo hai as a indentured labor jo hai Fiji mein kaam karte the. Indentured labor matlab to work for free for someone. Theek hai. Now, उस टाइम अवध में जो था, जो मेन जो रूल कर रहे थे वो लैंडलॉर्ड्स रूल कर रहे थे. और ये लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि ये वहाँ के पीजेंट्स को लैंड देते थे काम करने के लिए, और सामने उससे उसके बदले में वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से. और दूसरा इन लोग ये भी करते थे लैंडलॉर्ड्स के वो एक पर्टिकुलर पीजेंट को एक लंबे टाइम तक किसी भी लैंड पे रुकने नहीं देते थे, ताकि आगे जाके कभी भी कोई लीगल केस ना बन सके, क्या कोई पीजेंट जो है उस लैंड को क्लेम नहीं कर सके. क्यों वो क्लेम करेगा, इस ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि वाई द पर्टिकुलर पीजेंट विल क्लेम हिज ओनरशिप ओवर द लैंड. बिकॉज देर इज़ अ रूल एज पर द लॉ, देर इज़ अ रूल डेट इफ़ अ पर्सन इज स्टेइंग ऑन अ लैंड फॉर मोर देन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, then he has a right over that land. So because of this reason, many landlords didn't allow the peasant to work over their land with for a stipulated period of time. Now second, तो जो peasants जो थे ये इसे थोड़ा जो है नाराज़ हो गए, और जब non cooperation movement फैला तो उन्होंने भी जो है non cooperation movement का साथ दिया, और उन्होंने जो है demands रखी. तो इनमें से third point को हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं. तो इन्होंने डिमांड क्या रखी थी, इनमें डिमांड इन्होंने ये रखी टू एबॉलिश द बेगर. बेगर का मतलब होता है टू वर्क फॉर फ्री. देन रिड्यूस द रेवेन्यू डेट वर बीइंग डेट वाज बीइंग कलेक्टेड बाय द लैंडलॉर्ड, एंड टू बॉयकॉट ऑफ द लैंडलॉर्ड. मतलब इन्होंने बोला कि हम सब मिलकर अगर लैंडलॉर्ड के यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड्स जो है इनका जो रुतबा जो है, इनका जो हक जो है, जिस तरीके से ये लीड करते हैं, जिस तरीके से ये हम पर राज करते हैं, ये नहीं कर पाएंगे बाद में ना. तो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने नाई धोबी बंद भी, बहुत सारे जो पंचायत जो थी उस रीजन में उन्होंने नाई धोबी बंद किया. नाई धोबी बंद का मतलब ये होता है कि दैट द लैंडलॉर्ड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड द सर्विस ऑफ अ बारबर एंड नॉट इवन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वॉशरमैन. तो इन्होंने इस तरीके से बंद किया कि मतलब कम्प्लीटली इनको बॉयकॉट कर दिया जाए, इन लोग के यहाँ पर ना कोई काम करेगा और ना ही इनसे कोई काम लेगा. नेक्स्ट ओड किसान सभा. जब जवाहरलाल नेहरू ने इस अवध में जब वो दौरा करने के लिए गए, तो इन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी देखा, और उन्होंने वहाँ पर एक सभा को ऑर्गेनाइज़ किया. ओड किसान सभा बोलते हैं. इस सभा के 300 ब्रांचेस थे. नाउ दिस सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद द बाबा रामचंद्र. जो दिस बाबा रामचंद्र वॉज द लीडर ऑफ द अवध. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज डेट वॉज बींग टेकन प्लेस इन द अवध. नेक्स्ट इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी मैनी रॉन्ग स्टेप्स व सेंशन. हाँ, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्चुअली महात्मा गांधी ने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो रहेगा हम वॉयलेंटफुली नहीं करेंगे, बट क्योंकि जो कंट्री साइड में जो थे, अवध रीजन में जो थे, वहाँ के जो लोकल लीडर्स जो थे, उन्होंने जो है बहुत ही जो मेन जो था इसका रीज़न कि भाई वायलेंस नहीं करना है, इन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मोटो था उन्होंने ये समझा नहीं, और इन्होंने बहुत सारे जो ऑर्डर्स जो है महात्मा गांधी के नाम पे पास कर दिए. लोकल लीडर्स ने बहुत सारे पीजेंट्स को बोल दिया कि महात्मा गांधी का ऐसा कहना है कि आपको रेंट भी नहीं पे करना है, और साथ ही साथ जो लैंड भी जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लैंडलॉर्ड की जो लैंड है वो हम लोकल पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इस तरीके से बहुत सारी जो अफवाहें जो उस टाइम उन्होंने फैलाई थी इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, ये जो हमने हाँ, और 6 जनवरी को बाद में 1921 में 6 जनवरी को जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है,
तो इन्होंने है जो बाद में पुलिस ने फायर किया पीजेंट्स के ऊपर नियर रायबरेली, रेल बरेली लिख दिया है, मिस्टेक है यहाँ पे, रायबरेली में। ये जब फायरिंग हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि मुझे रीजन में जाने दो, लेकिन पुलिस ने जो है वहाँ पे उनको रोक दिया। और वहाँ पे रोकने के बाद जवाहरलाल नेहरू भी जो है कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड अ सभा ओवर देयर एंड गेव अ स्पीच। जो ये जो स्पीच है इट इज़ प्रॉपरली बीन इट इज़ प्रॉपरली रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। वैन वी विल बी टेकिंग द वीडियो लेक्चर, वैन विल बी हैविंग द वीडियो लेक्चर, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दिस स्पीच एज वेल। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैंड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स इज द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1920। इन द वेरी डेट इट गॉट स्टार्टेड, इट स्टार्टेड इन द ग्यूडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ थर्ड पॉइंट इन दिस अंडर दिस टॉपिक इज द गवर्नमेंट वर फोर्सिंग देम टू लीव द फॉरेस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट बीकर फॉर द रोड बिल्डिंग। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ये जो आंध्र प्रदेश के जो फॉरेस्ट जो थे ये काफ़ी रिच थे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स। So when the government came to know about this resource, they started, they told those people living in the, they told the local people to leave the forest and go somewhere else. And they also forced these people to contribute bigger for the road building. The government was also trying to build roads during that time in that region. So they also forced those laborers, forced those local people that they should contribute bigger for road building. I have already made you understand the meaning of the beggar. The word beggar means to work for free. Now, the leader of this movement was Alluri Sitaram Raju. The story of this Alluri Sitaram Raju is quite interesting because he proclaimed to the people that he has some special powers, and because with the help of the special powers he can even withstand a bullet fired from the gun, and he also have got some powers which can heal people. Because of such claims, people were captivated by his speeches, and they also considered this Alluri Sitaram Raju to be an incarnation of the god. Now this Alluri Sitaram Raju also was a supporter of the Gandhi's ideal, but he said that in order to get freedom without violence we will never be able to get the independence. Now this Alluri Sitaram Raju was finally since the people were captivated by his speech, he forced the people, or you can say that he motivated the people to rebel against the Britishers, and under this motivation the people started attacking the police stations as well as the police officers. Now when the people started attacking the police stations and the police officers, the police also started revolting against them, and finally Mr. Raju was arrested and executed in year 1924. So this was all about the Militia Guerrilla movement under the heading non cooperation movement. Now next is Swaraj in the plantation. Now Swaraj in the first point in this under the Swaraj in the plantation, the workers of the plantation interpreted the Swaraj in the different terms. Now the tea plantations, they were the workers of the tea plantation. Now when this non-cooperation movement was going on, they interpreted the Swaraj, they interpreted this non-cooperation movement in their own terms. Now they considered the freedom to move in and out of the confined zone. So when the non-cooperation movement was declared, they considered the non-cooperation movement as that, in the way that they considered that the movement allowed them to move in and out of the confined zone. This workers were confined by the Britishers in a particular region so that they can contribute their labor, towards the tea plantation. Now, since they were not allowed, they were not allowed to leave tea plantation area according to the Inland Immigration Act of 1859. Now, considering the non-cooperation movement, they left the plantation and were brutally beaten up by the police in between their way. So when the non-cooperation movement started in the region of Assam, they considered the non-cooperation movement in a way that they can leave the tree planted, they can lead the tea plantation region and can head back towards the village.
Now, when the non-cooperation movement was going on, the railways were also on the strike, and so they all got together. See, they all were stranded over the railway station, and when the Britishers came to know that they have stranded over the